दुनिया की एक ऐसी अनछुई जगह जहां पर लोगों के सिर गायब हो जाते हैं और यहां पर 44 से ज्यादा लोगों के साथ ऐसी ही घटना घटी है। यहां पर लोग सोना ढूंढने के लालच में आते तो हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं जाते। आखिर इस जगह पर ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि पिछले 5000 सालों से यहां पर आज तक कोई भी इंसान आकर बस नहीं पाया। यहां पर कुछ आदिवासी आए थे बसने के लिए लेकिन उनका भी पूरा का पूरा कबीला रातों रात गायब हो गया। आज तक कुछ पता नहीं चला वो लोग कहां गए। तो बहुत दिनों से तुम लोग डिमांड कर रहे थे कि गौरव भाई कोई भूतिया वीडियो लेकर आओ। तो आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं दुनिया की सबसे ज्यादा भूतिया वैली में, जिसको कहा जाता है हेडलेस वैली, क्योंकि यहां पर लोगों के सिर उड़ा दिए जाते हैं। तो जल्दी से अपना पासपोर्ट निकाल लो क्योंकि भैया हम चलने वाले हैं कनाडा, जानने के लिए इस हेडलेस वैली का रहस्य आज के फाड़ू वीडियो में। कनाडा के नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी में एक जगह है जो जर्मनी से करीब 4 गुना ज्यादा बड़ी है, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। ये एक जंगली इलाका है लेकिन यहाँ पर आदिवासी भी नहीं रहते। ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमय डरावनी जगह तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह भी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भैया आज तक यहाँ पर इंसानों के कदम नहीं पड़े। यहाँ पर आपको नेचर प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगी क्योंकि यहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज नो ह्यूमन नो पॉल्यूशन। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस दुनिया में जब इतनी ज्यादा आबादी बढ़ रही है, लोग बच्चों पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, वहीं पर दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां पर कोई इंसान आकर बस नहीं रहा। तो भैया ऐसा नहीं है कि इंसानों को इस जगह की प्राकृतिक खूबसूरती से प्रेम था, वो इस जगह को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वो तो बर्बाद करना चाहते थे, बहुत से लोगों ने यहां पर आकर बसने की कोशिश भी की लेकिन वो इतने रहस्यमय तरीके से गायब हो गए कि उनका हाल देखने के बाद किसी और ने यहाँ पर आने की हिम्मत भी नहीं की। ये जगह है कनाडा के नॉर्थर्न टेरिटरी में, जिसको कहा जाता है नहानी वैली, जिसे अब नहानी नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये एक इकलौता ऐसा पार्क है दुनिया का जहाँ पर कोई जा नहीं सकता, और अगर जाता है तो बिना मुंडी के वापस आ नहीं सकता। सबसे पहली बात तो ये जगह इतनी दुर्गम है कि यहाँ पर नॉर्मली आप बस या ट्रेन से नहीं जा सकते, उसके लिए आपको सैकड़ों किलोमीटर पैदल हाइकिंग करनी पड़ेगी, घने जंगलों से निकलना पड़ेगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी दम है और आप ये सारे काम कर सकते हो, तो भी एक बात और है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई नहीं आता, और वो वजह है इस जगह का हॉन्टेड होना। करीब 10,000 साल पहले की बात है, यहाँ के दूर जंगलों में नहानी प्रजाति हुआ करती थी जो यहाँ के आदिवासी थे। एक बार उन्होंने इस घाटी में बसने का फैसला किया। उन्होंने कुछ कच्चे पक्के मकान भी बना लिए, अपना थोड़ा सा सेटअप भी जमा लिया, लेकिन एक दिन अचानक रातों रात उस कबीले का हर इंसान गायब हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर वो खाना खा रहे थे वहाँ थालियों में खाना रखा रह गया, हर चीज वैसी की ही वैसी थी, बस लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए ये किसी को पता नहीं चला। और ये सबसे पहली ऐसी घटना थी जिसकी वजह से ये जगह लोगों की नजर में आई। यहाँ पर कुछ हाइकिंग करने वाले लोग भी गए थे जो खुश नसीब थे और जिंदा लौट कर आए, लेकिन उन लोगों ने इस जगह पर वापस कभी ना जाने का फैसला किया। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर दिन के समय तो सब कुछ ठीक होता है लेकिन इस जगह पर रात काटना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब से जानवर हैं, अजीब अजीब से क्रीचर्स हैं, बहुत ही अजीब सी आवाजें आती हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं लोगों के साथ जो उन्होंने कभी पहले महसूस ना की हो, देखी ना हो। अब तुम बोलोगे गौरव भाई इन सब बातों का सबूत क्या है, ऐसी डरावनी बातें तो कोई भी किसी भी जगह के बारे में कर सकता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 1904 में घटी एक ऐसी घटना जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भूतों पर विश्वास नहीं करते। ऐसे ही दो लोग थे जो भाई थे, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम था चार्ली। ये दोनों ही सोना खोजने का काम करते थे। करीब 1904 में इन दोनों ने नहानी वैली में जाकर सोना खोजने का फैसला किया। सोना खोजना ही था तो इतनी खतरनाक जगह जाने की जरूरत क्या थी। मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में चले जाते, वहाँ पर कितने लोगों का सोना गिरवी रखा हुआ रहता है। नहीं यार मैं मजाक कर रहा था, वो लोग वाकई में सोना ढूंढते थे। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी मुथूट फाइनेंस। तो हाइकिंग करके ये दोनों भाई इस वैली के पास मौजूद एक नदी के पास पहुंच गए, जहां पर इन्होंने अपना एक कैंप बनाया, अपने सारे टूल्स सेटअप कर दिए जो सोना खोजने में काम आते थे। अब नदी में जो इन्होंने जाली लगाई थी उसमें एक ही रात में इतना सारा सोना भर गया जिससे इनके सारे कंटेनर भर गए। इन लोगों ने इस चीज की तो कभी कल्पना ही नहीं की थी कि इन्हें एक ही रात में इतना सारा सोना मिल जाएगा। अब इन्होंने वापस आने के लिए जल्दी से अपनी बोट तैयार कर ली ताकि शहर आकर ये उस सोने को बेच दें और बहुत ज्यादा अमीर हो जाएं। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे इन दोनों भाइयों का दिल टूट गया। बीच नदी में वो बोट टूट गई और इनका जो
पूरा सोना था ना वो नदी में वापस डूब गया। अब चूंकि नदी इतनी ज्यादा गहरी थी उसमें से इस सोने को फिर से निकाल कर लाना पॉसिबल नहीं था, तो मतलब सोना जहाँ से इनने निकाला था वही वापस चला गया। लेकिन इन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी, इन दोनों ने सोचा कि एक रात और रुकते हैं, फिर से सोना निकाल लेंगे और इस बार बोट थोड़ी सी मजबूत बनाएंगे। रात भर दोनों भाइयों ने इंतजार किया, वो लोग सुबह का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बार भी उनके हाथ में ढेर सारा सोना लगने वाला है। लेकिन जब अगली सुबह उन्होंने चेक किया तो उनके जाल में सोने का एक तिनका, एक कण तक नहीं फंसा था। मतलब ये वही नदी थी जिसने पिछली रात इनको भर भर के सोना दिया था, लेकिन अगले दिन उन्हें बिल्कुल भी सोना नहीं मिला। ये देखकर दोनों भाई काफी ज्यादा हैरान रह गए। उनको लगने तो लगा कि यहाँ पर इस जगह पर कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब इन लोगों ने करीब 5-6 दिन तक यही सब ट्राई किया, ये लोग रुके रहे इस जगह पर। हालांकि इनके साथ कोई पैरानॉर्मल घटना नहीं घटी, लेकिन 5 रातों तक इंतजार करने के बाद भी इनको जरा सा भी सोना नहीं मिला, तो आखिरकार निराश होकर ये दोनों वापस शहर आ गए। करीब 1 साल बाद 1905 में दोनों भाइयों में से एक फ्रैंक ने उसी जगह पर वापस जाने का फैसला किया, लेकिन दूसरे भाई चार्ली ने वहां जाने से मना कर दिया। फ्रैंक ने अपने एक दोस्त रॉबर्ट से बात की और ये दोनों उस जगह पर फिर से सोना ढूंढने निकल गए। करीब 2 साल तक ये दोनों लापता रहे। चार्ली ने काफी इंतजार किया, लेकिन जब उसे लगने लगा कि शायद उसके भाई फ्रैंक और उसके दोस्त रॉबर्ट के साथ कुछ बुरा हो चुका है, तब वो 4 हाइकर्स को हायर करके नहानी वैली की तरफ चल पड़ा। अब समय था 1907 का। जब चार्ली इस नहानी वैली में पहुंचा तो उन्हें टेंट में 2 लाशें मिली, दोनों के सिर नहीं थे। चार्ली ये सब देखकर घबरा गया, उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। हालांकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ खास पता नहीं चला और तब से ये वैली काफी ज्यादा बदनाम हो गई और इसका नाम पड़ा हेडलेस वैली। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दो लोगों की, मतलब फ्रैंक और रॉबर्ट की, मुंडी किसने काट दी? अगर कोई जंगली जानवर होता तो इन पर हमला करके इन्हें खा जाता, कोई इंसान होता तो किसी और तरीके से भी मार सकता था, लेकिन कोई इंसान इतनी सुनसान जगह में जाकर इन्हें क्यों मारेगा जबकि इनके पास बिल्कुल भी सोना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोगों ने चार्ली पर शक किया कि चार्ली जब वहां गया होगा तो उसे सोना मिल गया होगा और उसने सोना लेने के बाद अपने भाई और उसके दोस्त को ऊपर पहुंचा दिया। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि फ्रैंक के साथ जो उसका फ्रेंड गया था रॉबर्ट, सोना मिलने पर रॉबर्ट की नियत खराब हो गई होगी, उसने फ्रैंक को निपटा दिया और साथ में ये जो दूसरी एक बॉडी मिली थी ये भी वहां पर मौजूद किसी और हाइकर की होगी। जब रॉबर्ट ने पाया कि उसे भी सोना मिल गया है तो रॉबर्ट ने उसका भी काम लगा दिया। हालांकि ये सारी बातें केवल अजम्पशंस है, एक्चुअली में वहां पर क्या हुआ था आज भी एक मिस्ट्री है। 8 साल बाद 1913 में मार्टिन नाम के एक व्यक्ति ने यहां पर जाकर सोना खोजने की कोशिश की, लेकिन करीब 20-25 दिन बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो उसके दोस्त उसे ढूंढने निकले। वहां पर सोना तो नहीं था लेकिन मार्टिन की बॉडी जरूर थी और उसकी बॉडी पर सिर नहीं था। ऐसे ही 1945 में एक और सोना खोजने वाला व्यक्ति यहां पर अपने स्लीपिंग बैग के अंदर पाया गया बिना सिर के। आखिर यहां पर लोगों के सिर गायब कौन कर देता था? ये तो मैंने आपको केवल 3 केसेस बताए हैं, यहां पर 44 से ज्यादा लोग इसी तरह से गायब हो चुके हैं, या कहें तो 44 से ज्यादा लोगों के सिर यहां पर गायब हो चुके हैं। करीब 1999 में यहां पर कुछ लोग पिकनिक मनाने गए थे, ये लोग प्रोफेशनल हाइकर्स थे, ये करीब 10 लोगों का ग्रुप था। रात के समय में उनमें से एक बंदे को यहां पर पहाड़ पर एक अजीब सी औरत चढ़ती हुई दिखाई दी, मतलब वो पहाड़ पर ऐसे चढ़ रही थी जैसे कि कोई मकड़ी चढ़ रही हो। और ये नजारा देखने के बाद उसने तुरंत अपने दोस्तों को सारी बात बताई। जब सारे दोस्त वहां पर गए और उन्होंने ये चीज देखी तो उन्होंने शोर मचाया। उस औरत ने पलटकर तुरंत इन सभी हाइकर्स की तरफ देखा और उस औरत का चेहरा इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखने के बाद ये लोग रात में ही भागकर वापस शहर आ गए। अब देखो यहां पर ये जो भी घटनाएं घटती हैं ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या कुछ और मुझे नहीं पता। हालांकि इन सभी केसेस की रिपोर्ट पुलिस के पास है लेकिन पुलिस भी इसके पीछे का रहस्य सुलझा नहीं पाई है। अगर आप इंटरनेट पर हेडलेस वैली के बारे में सर्च करेंगे तो यहाँ पर घटी कई घटनाएं आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो घटनाएं घटती हैं ये सोने के लालच में घटती हैं, इनके पीछे इंसानों का ही हाथ है या फिर ये वैली वाकई में हॉन्टेड है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो देखने में मजा जरूर आया होगा। मैं जा रहा हूँ सोना ढूंढने के लिए, आप तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं अगले एक और भूतिया और फाड़ू वीडियो में।